बुलेटिन में उज्जैन की खबर से करेंगे, जहां माधव कॉलेज में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। कॉलेज को अय्याशी का अड्डा बनाने का आरोप एबीवीपी की ओर से लगाया गया है और इसे लेकर जमकर हंगामा किया गया। कॉलेज में जमकर तोड़फोड़ भी की गई है। कॉलेज में कर्मचारियों के शराब पीने का आरोप एबीवीपी की ओर से लगाया गया है और इसे लेकर हंगामा किया गया, तोड़फोड़ की गई। कॉलेज परिसर में मौजूद इन कार्यकर्ताओं से प्राचार्य की बहस भी हो गई। तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं, जो कर्मचारी शराब पी रहे हैं, जिन पर आरोप लगाए हैं, उन कर्मचारियों को सस्पेंड करने की मांग उठ रही। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में एबीवीपी के ये कार्यकर्ता कॉलेज परिसर पहुंचे। माधव कॉलेज की तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहाँ पर इन कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है, तोड़फोड़ कर दी। तो कॉलेज परिसर में प्राचार्य से इन कार्यकर्ताओं की बहस भी हो गई। इस दौरान कर्मचारियों को सस्पेंड करने की मांग उठी। इनका आरोप है कि कॉलेज को अय्याशी का अड्डा कुछ कर्मचारी बना रहे हैं और यहां पर शराब पीते हैं, अय्याशी करते हैं, हुड़दंग मचाया जाता है। इसी को लेकर विरोध किया जा रहा है कार्यकर्ताओं की ओर से और तोड़फोड़ कर दी इन कार्यकर्ताओं ने। संतोष कृष्णानी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष, सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे, आरोप लगाए जा रहे हैं एबीवीपी की ओर से कि कर्मचारी यहाँ पर शराब पीते हैं, अय्याशी का अड्डा बनाया गया, कितनी सच्चाई इसमें? बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे, माधव विज्ञान जो महाविद्यालय है, आए दिन इस तरीके के विवाद सामने आते हैं। छात्र संगठनों का कहना है कि हम जब जो ग्रामीण एरिया से छात्र छात्राएं पढ़ने आती है तो सबसे पहले तो उनके साथ बदसलूकी की जाती है, बदतमीजी की जाती है और इसमें सरकार के विवाद सामने आते हैं। और अब एक नया मोड़ इसमें आया है कि जो कर्मचारियों का कहना है कि यहाँ पे जो कर्मचारी कैड वाले हैं वो शराब पीकर आते हैं, अय्याशी करते हैं और आए दिन अगर उनसे किसी प्रकार की कोई बात करते हैं तो अय्याश शराब के नशे में हमको जवाब उल्टा सीधा देते हैं, उसको लेकर आज इन्होंने विरोध किया। विरोध के बाद जब इनका उग्र प्रदर्शन हो गया, प्राचार्य के सामने ही इन्होंने खिड़की दरवाजे के कांच तोड़े हैं, गमले जो पड़े रहते हैं उनको तोड़ा गया है, बैरिकेडिंग को तोड़ा गया है, कहीं ना कहीं जिस प्रकार जो उग्र प्रदर्शन इनका सामने नजर आ रहा है और उसको लेकर हमारी छात्र संगठनों के नेताओं से भी बात होती है तो उनका ये कहना है कि साथ साथ एक तो यहाँ कॉलेज परिसर में हरे भरे पेड़ हुआ करते थे, उनको काट के थर्ड कर्मचारियों ने वहां से लकड़ी को बेच दिया, तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप की यहाँ तक दौड़ जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार तोड़फोड़ की गई है तो एक बार पुनः उज्जैन में जो जिस प्रकार सबरवाल कांड हत्याकांड हुआ था उसकी याद ताजा करती है। प्राचार्य को भी उनके सामने घेर कर उनसे हुज्जतबाजी हुई है और कई प्राचार्य और छात्र नेता दोनों ही आमने सामने हो गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार तोड़फोड़ हुई है, ये कहीं ना कहीं शिक्षा स्थली में इस तरीके की घटना नहीं होना चाहिए। फिलहाल क्या स्थिति है संतोष, क्योंकि कुछ कर्मचारियों को सस्पेंड करने की मांग भी ये कार्यकर्ता कर रहे हैं, प्राचार्य से भी बहस हुई है, फिलहाल कॉलेज परिसर में शांति का माहौल है या अभी भी वही स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, इसमें पुलिस को जैसी सूचना लगी तो पुलिस और प्राचार्यों में भी इनके छात्र नेता हैं, उनको समझाई दी गई है कि अभी आप हमें जो भी आपकी मांग है वो हमको लेटर के माध्यम से, पत्र के माध्यम से अवगत आपने कराया है, कुछ ही दिनों में हो सकता है कि यहाँ जो शराब के नशे में कर्मचारी काम करते हैं उनको यहाँ से हटाना पड़े, उसको लेकर इनको अभी फिलहाल आश्वासन दिया गया है। और यहाँ तक कि जो जिस प्रकार जो पेड़ों की इन्होंने समस्या उठाई कि छात्र संगठन जो यहाँ आकर पढ़ाई करते हैं, यहाँ छाव पेड़ के नीचे छाव में बैठकर पढ़ाई करते हैं, जो पेड़ काटे गए हैं उसको लेकर भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और फिलहाल लेकिन संतोष, एक आखिरी सवाल, संतोष जो आरोप इन कार्यकर्ताओं की ओर से लगाए गए हैं गंभीर है कि परिसर में शराब पी जाती है, पेड़ों को काटकर अवैध तरीके से बेचा जा रहा है, इसकी जानकारी इस कॉलेज के शिक्षकों को नहीं है, प्राचार्यों को ना हो, ऐसा कैसे संभव है? बिल्कुल, हमारी इस संबंध में भी प्राचार्यों से भी चर्चा हुई तो उनका कहना है कि नहीं, इसकी पूरी तरह हम जांच करवाना है, कुछ एक इक्का दुक्का अगर कोई पेड़ काटा गया तो उसकी जांच की इन्होंने बताया कि हम इसकी जांच करवा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार छात्र संगठनों ने इसका विरोध किया तो और उसके बाद जिस प्रकार तोड़फोड़ हुई है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बिल्कुल ये तरीका भी उचित नहीं हो सकता है। संतोष शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, कॉलेज को अय्याशी का अड्डा बनाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। माधव कॉलेज की तस्वीरें आप उज्जैन से देख रहे हैं। आरोप है बीवीपी कार्यकर्ताओं की ओर से कि यहाँ पर कर्मचारी शराब पीते हैं और भी कई काम है जो कॉलेज परिसर में चल रहे, अवैध तरीके से लकड़ी को काटकर उसे बेचा जा रहा है, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये जो तरीका है विरोध का इन कार्यकर्ताओं की ओर से, ये भी बिल्कुल उचित नहीं कहा जा सकता।